नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि चालान जो होता है अपने, जैसे जीपीएफ का चालान हो, जमा कराना पड़ता है अपन को, या एसआईएफ के चालान द्वारा पैसे, लोन की राशि हो या अदरवाइज कोई राशि हो, जैसे एरियर का बिल हो, तो अपन उसका भी चालान अपन को जो लगता है, या टैक्स का चालान, इनकम टैक्स का जो आयकर का होता है, 280 जो चालान होता है अपना, तो उसको अपन किस माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, तो उसको अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखते हैं। इसमें डेमो के द्वारा इसमें जो डिटेल होगी वो आप देखेंगे, ये मार्गदर्शिका। और यहाँ पर ई ग्रास की जो साइड है उस पर उसे लॉगिन किया जाएगा। चालान भरने के लिए अपन को सबसे पहले www.egrass.rajnic.in की साइट को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में अपने सामने ये पेज खुलेगा, जिसमें लॉगिन पेज पर पासवर्ड भी अपना गेस्ट ही होगा और यूज़र नेम में भी अपन गेस्ट ही फिलअप करेंगे। देन नेक्स्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड मेजर हेड, ये अपना सेलेक्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो एरोस द्वारा दर्शाया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। विभाग का चयन करने के बाद में अपन आगे प्रोसेस करेंगे, मेजर हेड पर जाएंगे। मेजर हेड अपना जो, जिस पर अपनी, जिस हेड में अपनी राशि जमा करवानी होती है, उस हेड का चयन करेंगे। उसके बाद में क्लिक हियर, मतलब उस पर मेजर हेड की जो राशि भरने के बाद में ई चालान में जो अपन को राशि मांगी गई है, जिसकी सूचना जो अपन को इसमें भरनी है, उसके बाद में फार्म की पूर्ति पर क्लिक करना है। ये सारा प्रोसीजर में डेमो के द्वारा दर्शाया गया, इसमें डेमो के द्वारा जो आपके सामने प्रदर्शित है। उसके बाद में तैयार जो चालान होगा उस पर का प्रिंट आउट लेंगे अपन। प्रिंट आउट लेने के बाद में अपन को IFMS की साइट को वापस लॉगिन करना होगा। यहाँ पर भी अपने सामने जो लॉगिन में पासवर्ड गेस्ट ही डालना है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में, और ये लॉगिन पेज जो, उसके बाद में ट्रांजैक्शन स्टेटस में जाकर रेवेन्यू रिपोर्ट को अपन को सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन स्टेट में रेवेन्यू रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे अपन। अपने सामने जो टेबल खुलेगी उस टेबल की पूर्ति करेंगे अपन, उसमें अपना बजट, हेड, अकाउंट जो भी है वो सारी चीज़ अपन को फिलअप इसमें करनी है, और अब तक चालान जो अपन ने जमा किया है उसकी रिपोर्ट अपन आसानी से इसमें देख सकते हैं कि अपने द्वारा फिलअप किया हुआ गया चालान अपन ने सही भरा है या गलत भरा है, या जहाँ पर भेजना है वहाँ पर भी अपन उसको आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके सामने।